अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इससे होने वाले खतरों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि देश के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी खबरें आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोग झुलस गए हैं, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि लोग बारिश के मौसम में सावधानी बरतें और खुद को सुरक्षित रखें। इसके लिए बारिश और वज्रपात के समय घर से बाहर नहीं निकलें, या अगर आप बाहर हैं तो ना रहें। अब आइए देखते हैं कि बिजली गिरने की स्थिति में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिजली गिरने के तुरंत बाद घर से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग के जानकार बताते हैं कि जब तूफान गुजर जाता है उसके 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने का खतरा बना रहता है। अगर आप निश्चिंत हैं कि एक ही जगह पर दो बार बिजली नहीं गिर सकती तो आप गलत हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके आसपास कहीं बादल गरज रहे हों और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हों तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वहाँ बिजली गिर सकती है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि आप नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं, अपने हाथ घुटने पर और सिर को दोनों घुटनों के बीच रख लें। इससे आपका संपर्क जमीन से कम होगा, ऐसे में आपको खतरा भी कम होगा। अगर बारिश हो रही हो और बिजली कड़क रही है तो छतरी या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि धातु के जरिए बिजली आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति पर बिजली गिर जाए तो उसके लिए जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की मदद मांगें। इस बात को याद रखें कि जिस व्यक्ति पर बिजली गिरी है उसे छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर किसी व्यक्ति पर बिजली गिरी है तो तुरंत उसकी नब्ज चेक करें और अगर प्राथमिक उपचार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मौसम के जानकार बताते हैं कि बिजली गिरने से शरीर के दो जगहों पर जलने की संभावना होती है। पहला, जहां से आकाशीय बिजली ने शरीर में प्रवेश किया है, और दूसरा, जिस जगह से उसका निकास हुआ है, जैसे पैरों के तलवे। शरीर पर बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियां टूट सकती है, उसे सुनाई देना या दिखाई देना बंद हो सकता है, या जान भी जा सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।